गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन क्लास 11th वी हैव डिस्कस्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है, और फोर्स है वो किसके इक्वल था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आज हम उसका भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही हमारे ऊपर रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई एक रबर बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो जितना तेजी से आप थ्रो करोगे उतना ही वो रिकॉइल करेगी। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाए तो हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वन ड्यू टू ऑब्जेक्ट टू, दैट इज एक्शन। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है अगर वो सेकंड के ऊपर फोर्स लगाए तो हम कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू ड्यू टू ऑब्जेक्ट वन। तो हमने यहाँ पर F12 को एक्सप्लेन किया है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वन या बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू, और F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी टू ड्यू टू बॉडी वन। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इट एक्सप्लेन दैट एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अगर वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये उसे अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंड अपोजिट टू रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, अगर हम देखें ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल, अगर कोई भी बुक टेबल के ऊपर रखी है तो वहाँ पर क्या है, बुक नीचे की ओर फोर्स लगाती है, दैट इज एक्शन। तो रिएक्शन में क्या है, टेबल ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी उस बुक के ऊपर। तो दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब एक गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बुलेट आगे की ओर बढ़ती है, दैट इज एक्शन। और रिएक्शन में क्या होगा, जो गन है वो रिकॉइल करेगी, हमें पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होगा। जैसे द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कब होगा, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो हमारे पास जो नेट मोमेंटम है दैट इज ऑलवेज कंजर्व। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इट एक्सप्लेन दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने मोमेंटम को पी से नोट किया था, और किसके इक्वल था, अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो हम उसका लीनियर मोमेंटम पी से नोट करते हैं, किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से। तो अगर हम देखें यहाँ पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने लास्ट टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ, इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन अगर हम इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू जीरो रख देंगे तो dp/dt है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका अर्थ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू जीरो है, दैट इज मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ ए गन, कि जब हम किसी गन से फायर करते हैं बुलेट को तो जब बुलेट आगे की ओर जाती है तो गन क्या करती है, पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, दैट इज रिकॉइल ऑफ ए गन। तो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए गन व्होज मास इज कैपिटल एम, ए बुलेट व्होज मास इज स्मॉल एम एंड इट्स वेलोसिटी इज स्मॉल वी। तो जब बुलेट को फायर करेंगे तो वो पीछे की ओर एक वेलोसिटी से मूव करेगी, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी, और उसको हम कैपिटल वी से मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, अगर फायर करने से पहले देखें तो जो बुलेट है वो उसकी वेलोसिटी जीरो है,
तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो जीरो यानी मास इंटू वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो। और यहाँ पर जब हमारे पास गन भी रेस्ट में है और वो मास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो टोटल मोमेंटम हमारा क्या होगा, जीरो। उसके बाद देखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। अगर फायर करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ गन यानी एम इंटू वी प्लस में टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज स्मॉल एम वी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, अगर हम यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे, इक्वेशन वन और टू को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है वो जीरो के इक्वल पुट कर दी हमने। ठीक है, अगर ये एम वी प्लस में स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये प्लस का है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगी, माइनस एम वी बाई में कैपिटल एम। तो ये हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको सोल्व कर सकते हैं। उसमें मान लेते हैं कि जो बुलेट है वो 100 ग्राम की है, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड है और मास ऑफ गन अगर हमें दिया है 10 किलोग्राम, तो आप इसको वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि जो बैकवर्ड वेलोसिटी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की, वो क्या होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशंस है इन रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। तो रॉकेट वगैरह जब आपने देखा होगा प्रोपेल करते हैं तो जब वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की तरफ निकलती है, एक थ्रस्ट पैदा करती है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोजन इन ऑफ ए बॉम्ब, कोई भी बॉम्ब वगैरह में एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ओबे होगा। ठीक है, तो आपने एक बार ये कुछ टॉपिक्स को बुक से स्टडी करना है, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपने ट्राई करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।